दोस्तों, क्या आपका भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैंग करता है? बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, चलते चलते रुक जाता है, लैग करने लगता है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर कहें विंडोज की 5 ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिन सेटिंग को करने के बाद आपका कंप्यूटर और लैपटॉप बिल्कुल नया हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, एकदम से स्मूथ और फास्ट चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम एक नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेते हैं तो जब तक हमारा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नया होता है तब तक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बिल्कुल स्मूथ चलता है, हैंग नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर और लैपटॉप पुराना होता है तो हैंग करने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, चलते चलते रुक जाता है या फिर रुक रुक के चलता है, लैग करने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम कंप्यूटर लैपटॉप में होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप की 5 सेटिंग बताने वाला हूँ, अगर आप ये 5 सेटिंग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बिल्कुल नया जैसा काम करेगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, पहले से भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, एकदम स्मूथ चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 5 सेटिंग है जो आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जरूर करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली सेटिंग है उसको करने के लिए आपको ये जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपको रन कमांड को जो है सर्च करके इसे ओपन कर लेना है। रन कमांड खुलने के बाद जो है आपको इसके अंदर लिखना है temp यानी टेम्प। लिखने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। इससे क्या होगा, एक फोल्डर होता है जिसमें बहुत सारी टेम्परेरी फाइल होती हैं जो हमारे बिना काम की होती हैं, उन्हें हमें डिलीट करना होगा, वो भी हमारे सिस्टम का बहुत सारा जो स्टोरेज है वो घेरी रहती हैं। इसके लिए जो है हमें टेम्प लिखने के बाद बस ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे जितनी भी टेम्परेरी फाइल होंगी इस फोल्डर के अंदर वो जो है आ जाएंगी। अब इन सभी को जो है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए से आप ऑल सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद जो है देखोगे काफी सारी टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी। जो फाइल जो है डिलीट नहीं होती है उसे आप छोड़ सकते हो, ये जो है अभी कहीं ना कहीं यूजेबल है तो आप इसे डिलीट अभी नहीं कर पाओगे। तो जितना डिलीट हो जाए उतना डिलीट करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। अब जो दूसरी सेटिंग है वो भी टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए ही है, जिसके लिए दोबारा से आपको जो है रन कमांड को ओपन कर लेना है। रन कमांड को आप शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो, विंडोज के साथ R बटन को दबाइए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको लिखना है परसेंटेज और इसके बाद लिखना है आपको टेम्प और इसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज। ये जो जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम आपको इसी तरीके से लिख देना है। ये क्या काम करेगा कि एक और जो है फोल्डर होता है जिसमें बहुत सारी टेम्परेरी फाइल भी होती हैं जो कि परसेंटेज के नाम से ही खुलती हैं, तो आपको उस फोल्डर को भी ओपन करके उन सभी टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर देना है जो फालतू में जो है आपके सिस्टम के अंदर स्टोरेज को घेरी हुई है। इतना लिखने के बाद आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे फोल्डर हैं जो टेम्परेरी फाइल बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर है जो कि हमारे बिना काम के हैं। ये सब आपको क्या काम करना है, इन सभी फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है इसे डिलीट कर देंगे। तो हम इसे जो है डिलीट करके आपको दिखाते हैं। डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये जो है ऑटोमेटिक डिलीट होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हो। कम से कम ये बहुत सारे यहाँ पर जो है टेम्परेरी फाइल है तो थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा डिलीट होने में, और डिलीट होने के बाद आप इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे तो ये जो है दोबारा से डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर से ट्राई अगेन करते हैं। तो जितनी फाइल जो है आपका जितना फोल्डर डिलीट हो जाता है उतना आपके लिए सही है, जितना छूट जाता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसमें ये जो टेम्परेरी फाइल है ये कहीं ना कहीं यूजेबल है जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं हो पाती है, तो जितना डिलीट हो सके उतना आपको डिलीट कर देना है, इसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। अब दोस्तों, जो तीसरी सेटिंग है उसको भी करने के लिए आपको विंडोज के साथ R बटन को दबाना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है ट्री। ट्री टाइप करने के बाद जो है बस आपको ट्री टाइप करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग चलेगी, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ ही समय तक ये प्रोसेसिंग चल सकती है या फिर जो है अगर डेटा काफी बड़ा होगा तो थोड़े से लंबे समय तक ये प्रोसेसिंग चलेगी। बस प्रोसेसिंग खत्म होते ही आपका काम हो जाएगा, ये सेटिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जो अगली सेटिंग आपको करनी है उसके लिए जो है आपको विंडोज बटन के साथ एक्स बटन को दबाना है। जैसे ही आप विंडोज बटन के साथ एक्स बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मेनू खुलेगा जिसके अंदर आपको जो है टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। टास्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से उन एप्स को
को जो है डिसेबल कर देना है, जिनकी जो है आपको जरूरत नहीं है। दरअसल ये वो एप्स होते हैं जो आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट हो जाते हैं, और ये स्टार्ट होने के बाद जो है ऑटोमेटिक आपके जो है कंप्यूटर या फिर सिस्टम का जो स्टोरेज है घेर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्लो चलने लगता है। तो आपको यहाँ पर आना है, ध्यान आपको ये देना है कि केवल आपको उन्हीं ऐप्स को जो है डिसेबल करना है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई अगर आपने जो है एंटीवायरस इस्तेमाल किया है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उन सभी जो इम्पोर्टेंट ऐप्स है उनको आपको जो है डिसेबल नहीं करना है, केवल उन्हीं ऐप्स को डिसेबल करना है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो। डिसेबल करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर देंगे, और दोबारा से डिसेबल करने के बाद अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ही इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगली सेटिंग है उसको भी करने के लिए आपको रन कमांड को ओपन करना है। विंडोज के साथ आर बटन को दबाइए, ये जो रन कमांड खुल रही है इसके अंदर आपको लिखना है प्रीफेच। जिस तरीके से मैंने प्रीफेच लिखा है सेम इसी तरीके से आपको भी जो है प्रीफेच लिखना है। इसके बाद जो है आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर जो है आपसे प्रीफेच जो है परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी जो है बहुत सारी आपको टेम्परेरी फाइल मिल जाएंगी जो कि हमारे बिना काम की होती है, फालतू का जो है हमारे सिस्टम का स्टोरेज घेरे रहती है, तो अगर आप इन्हें डिलीट कर देते हो तो इससे भी जो है आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा। ये टेम्परेरी फाइल किसी काम की नहीं है। इन्हें डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है डिलीट कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो है ट्राई अगेन करके दोबारा से डिलीट कर सकते हो, या फिर दो चार फाइलें अगर छूट भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सेटिंग को आपको पूरा ध्यान से देखना है। इस सेटिंग का नाम है डेस्क क्लीनअप। आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो सी ड्राइव बना हुआ है इसके अंदर से हमें जो है अनवांटेड डेटा को जो है क्लीन करना है, जिसके लिए जो है हमें क्लीन MGR सेटिंग में जाना होगा, जिसके लिए हम जो है सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन को दबाएंगे। ये जो रन कमांड खुलता है इसके अंदर हमको लिखना है क्लीन MGR। क्लीन MGR लिखने के बाद अब आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जैसा मैंने लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है। अब आप ओके पर क्लिक करिए। अब देखिए आपका जो है ऑटोमेटिक सी ड्राइव जो है सिलेक्ट रहेगा, अगर आपका नहीं रहता है सी ड्राइव सिलेक्ट तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद कैलकुलेटिंग चलेगा, थोड़ा देर में ही कैलकुलेटिंग हो जाएगा। इसके बाद जो है आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने वो सारी की सारी फाइल आ जाएंगी जो हमारे किसी काम की नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, क्लीन अप सिस्टम फाइल, इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ये कैलकुलेटिंग का प्रोसेस चलेगा और कुछ ही देर बाद जो है ये आपका जो है क्लीन अप हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट फाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो है क्लीनिंग का प्रोसेस जो है चलने लगेगा, थोड़ी देर बाद जो है सारी की सारी टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी। अब दोस्तों इतनी सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको जो है एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। तो चलिए हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद अब आप देखोगे कि हमारा जो है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जो है रिफ्रेश भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये देखिए हमारा बिल्कुल सही तरीके से जो है यहाँ पर रिफ्रेश भी हो रहा है, और पहले से मेरा सिस्टम जो है अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और काफ़ी सही तरीके से जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये पांच सेटिंग करने के बाद आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। अगर हैंग कर रहा था, स्लो चल रहा था, अटक अटक के चल रहा था, तो उन सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।